ग्वालियर से आपको अगली खबर दिखाते हैं, जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है और मामले में जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। इंदौर महापौर ने जनहित याचिका लगाई है, हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई होगी। एबीवीपी के छात्रों पर डकैती का मामला दर्ज है, याचिका में पुलिस की कार्रवाई को चुनौती दी गई है और जज की गाड़ी उपयोग करने पर डकैती का मामला यहां पर दर्ज किया गया था, जिस पर आज सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट के ग्वालियर बेंच में सुनवाई होगी और ये मामला तो आपको ध्यान होगा ही, IBC24 ने एक मुहिम के तौर पर इस खबर को चलाया था, हमने डिबेट किया, हमने आपके लिए फोन लाइन ऑन की थी, आप सभी की राय मिली थी और ओवरऑल जो राय मिली थी वो शत प्रतिशत यानी एक भी इधर नहीं थी। सारे लोगों ने एक सुर से यही कहा था और पूरे देश भर की जनता जुड़ी थी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने किया वो बड़ा नेक कार्य किया था, लेकिन डकैती का मामला दर्ज था। अच्छा मामला क्या जरा बताइए, आप लोग तो IBC24 देखते हैं, आपने नंबर वन बनाया है तो बताइए क्या था मामला। कुछ लोगों ने ठीक बताया है, गेस सही किया है कि जज की कार का इस्तेमाल कर लिया था, एक VC को वाइस चांसलर को हार्ट अटैक आ गया था और उसके बाद एम्बुलेंस सही वक्त पर नहीं आई तो वहां पर जज की कार खड़ी थी, उसका इस्तेमाल किया और हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद क्या हुआ ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। इसके बाद ये हुआ कि जज साहब के ड्राइवर ने FIR दर्ज करा दी। अच्छा पुलिस ने क्या किया, जज साहब के ड्राइवर ने, पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ के, क्योंकि जज की गाड़ी का मामला था तो उन्होंने कहा डकैती, तो डकैती के धाराओं में FIR दर्ज कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि मामला हाई कोर्ट में चला है, जनहित याचिका पर आज सुनवाई है। इंदौर के महापौर ने यानी पुष्यमित्र भार्गव जो कि सीनियर लॉयर भी हैं, उन्होंने ये याचिका लगाई है।